हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए रेसिपी ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं राजमे की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक मीडियम कटोरी राजमा भिगो के ओवरनाइट रख लिया है, वो फूल गया है, पूरा तैयार है। तो उसको हमने क्या किया, कुकर में 2 सीटी आने तक उसको पका लिया है। उसके बाद हमने उसको निकाल लिया। अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाते हैं राजमे की। इसके लिए हमने कढ़ाई लिया, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया, वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे जीरा, उसके बाद दालचीनी, तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 2 हरी मिर्च कटी हुई। उसको ऐड करके हल्के से मीडियम आंच पे हम भून लेंगे ताकि हमारा अच्छे से भुन जाए। उसके लिए हम उसमें डालेंगे 1 मीडियम कटा हुआ प्याज और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। जब ये हमारा मीडियम आंच रहेगा, मतलब हल्के आंच पे इसको भूनना है क्योंकि हमें इसका ग्रेवी बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक टमाटर लिया है, इसको भी कटिंग करके इसमें अच्छे से धीमी आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्के हल्के भून लेंगे। अब ये हमारा तैयार है। तो गैस बंद कर देंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, जार ले लेंगे, उसमें हम इसको ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया और उसको पीस लिया अच्छे से। अब हमने जो कढ़ाई यूज किया था उसी में हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जो ग्रेवी हमने तैयार किया था उस ग्रेवी को उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको हल्की आंच के हाथों से भूनेंगे। ये हम तब तक उसको भूनेंगे जब तक इसका देखिए इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक ये हमारा अच्छे से तेल ऊपर तक ना आ जाए, उसका तेल छोड़ने लग जाए, तभी हमारा ग्रेवी अच्छा और टेस्टी बनेगा। इसको हम धीरे धीरे मीडियम आंच पे हम भूनेंगे, लो फ्लेम पे। हम फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे हमारा सब्ज़ी जल जाएगा। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमारा जैसे ही हमारा तेल छोड़ने लग जाएगा इसके वेजिटेबल से, तब तक हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें एक छोटा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और स्वादानुसार नमक इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हमने जो राजमे को उबाल लिया था जो कुकर में, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से हमारा जो ग्रेवी है उसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से उसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। तो ये 2 मिनट के लिए हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और अगर ड्राई है तो आप वो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, जो राजमा उबाला था उसमें से थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, वही राजमे का पानी हमने उसमें डाल लिया था। अब इसको 2 मिनट के और ढक के पकाएंगे और ये हमारा राजमा बनके तैयार हो गया है, राजमे की सब्ज़ी। तो आई होप आप लोग ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।